मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में एक बार फिर गाय के नाम पर 25 अपराध को भीड़ ने न सिर्फ कैद बनाया बल्कि जरूर करने के अलावा उठावैठी भी करवाई। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से मुतासिल इस जिला में करीब 7 से 8 पिकअप वैन गाड़ी में जानवरों को लिया जा रहे थे, जिसे खुद साख्ता गौरक्षक की टीम ने रास्ते में रोककर उन्हें न सिर्फ कैद किया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई, जबकि उठा बैठी कराए जाने का वीडियो वायरल भी किया गया। ताहम बाद में उन लोगों को रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठता है कि आखिर इंतजामिया ने किसके इशारे में उन खुद साख्ता गौरक्षक को छूट दे रखी है, जो हर किस्म के खौफ से आज़ाद होकर खुले आम कानून को अपने हाथों में लेने से कतई नहीं घबराते हैं। आखिर कब बंद होगा गौरक्षक के नाम पर लोगों का खून बहाना? कब उन नाम नहाद लोगों पर ठोस कार्रवाई होगी? ये जो उठक बैठक लगाई गई है, जो उनका जुलूस निकाला गया है, इसके पीछे कमलनाथ सरकार की साफ मंशा है कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको सार्वजनिक रूप से लोगों को ये बताया जाए कि ये इस तरह से तस्करी करते हैं, इस तरह से गोवंश ले जाते हैं। यही हमारा संकल्प है। हमारी कथनी और करनी में यही अंतर है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अलवा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है, इसमें संबंधितों के विरुद्ध FIR रजिस्टर करके बाकी संवैधानिक कार्रवाई जारी है। कुछ 7-8 गाड़ियां थी जिनमें ये परिवहन किया जा रहा था अवैध रूप से, ऐसे लोगों के विरुद्ध केस रजिस्टर किए गए हैं और फिर कार्रवाई जारी है। जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध FIR रजिस्टर की जा चुकी है और बाकी आगे की कार्रवाई भी जारी है।